मॉर्निंग एवरी वन. इन माई लास्ट वीडियो आई टॉक अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आई. सो लेट्स रिवाइज क्विकली दैट हाउ द आई बॉल डेवलप्स. सो दिस इज अवर अवर डिवेलपिंग ब्रेन एंड सराउंडिंग दिस डिवेलपिंग ब्रेन इज द सर्फेस एक्टोडर्म. एज वी ऑल नो दैट द ब्रेन इज स्ट्रक्चर, इट इज ectodermal in origin, it is derived from the ectoderm. So from this developing brain an outpouching develops, this is the ectodermal diverticulum and surrounding it is the surface ectoderm. Now what happens next is this outpouching, the lateral end or the terminal end of this outpouching, it dilates and it forms the optic vesicle. Now this is optic vesicle and the proximal edge, it is constricted and it forms the optic stalk. Simultaneously, the surface ectoderm, which is overlying the optic vesicle, it thickens and it forms the lens placode. Now what happens is, this optic vesicle, it further develops, it dilates and the lens placode, it starts invaginating towards the lens vesicle. मतलब ये जो lens placode होता है ये अंदर की तरफ धंसने लगता है. जब ये lens placode अंदर की तरफ धंसने लगता है तो इस ऑप्टिक वेसाइकिल में एक डिप्रेशन आ जाता है और ये बनाता है हमारा ऑप्टिक कप. इसमें एक डिप्रेशन आ जाता है एंड इट फॉर्म्स द ऑप्टिक कप. माय ड्राइंग इज़ नॉट क्लियर, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. कैसे होता है ये है, इसने एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कि हमारा जो लेंस प्लेकोड है वो आ जाएगा और ऐसे इन्वेजिनेट करेगा. अब दिस इज लेंस वेसाइकल. लेंस वेसाइकल क्योंकि फ्यूचर लेंस बनाएगा विच इज डिराइव फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म. ये है हमारा ऑप्टिक कप और ये है हमारा स्टॉक. अब ये जो ऑप्टिक कप होता है ये इन्फीरियरली डेफिशिएंट होता है. जैसे ये हम लोग एक कप बनाएं तो ये इन्फीरियरली यहाँ पर एक स्पेस होती है. दिस स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोइडल फिशर. अब ये जो कोरोइडल फिशर होता है यहाँ से ही सारी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वो एंटर करती हैं एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग आईबॉल. और इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं हायलॉयड आर्टरी. Now this choroidal fissure, it becomes narrowed by the growth of its margins around the artery. अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसे जो इतना जो हमारा choroidal fissure था ये छोटा होता चला जाता है जो gap है और धीरे धीरे ये पूरा कप ऐसे complete हो जाता है. और ये फ्यूजन जो होता है या फिर जो क्लोजर होता है ऑफ द कोरोइडल फिशर, इट अकर्स बाय अबाउट द सेवेंथ वीक ऑफ जेस्टेशन. सेवेंथ वीक ऑफ जेस्टेशन, कीप इन माइंड द कोरोइडल फिशर क्लोजेस बाय द सेवेंथ वीक ऑफ जेस्टेशन एंड इफ इट डज नॉट क्लोजेस बाय देन इट रिजल्ट्स इन कोलोबोमा.
अब ये जो कोलोबोमा होता है मीन्स द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट बोमा, सॉरी फॉर द दिस इज एम ए कोलोबोमा. द कोरोडल फिशर शुड क्लोज बाय द सेवेंथ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विच अपीयर्स बाय द क्लोजर ऑफ द कोरोडल फिशर इज द ऑप्टिक कैनाल. जब कोरोडल फिशर क्लोज होता है, कोरोडल फिशर अगर ये क्लोज होता है तो ये बनाता है ऑप्टिक कैनाल, और अगर ये क्लोज नहीं होता है तो ये बनाता है कोलोबोमा. ओके, कोलोबोमा जो होता है वो इंक्लूड कर सकता है हमारे प्यूपल, सीलियरी बॉडी, कोरोइड या फिर ऑप्टिक नर्व को. अब ये तो हुआ हमारा सेवेंथ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ बाय द फिफ्थ वीक ये जो लेंस वेसाइकिल है इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म. ये जो लेंस वेसाइकिल है जो हमारा ऐसे ऐसे डेवलप कर रहा होता है, इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म एंड इट लाइज कम्प्लीटली विद इन द ऑप्टिक कप. ये पूरा पूरा ऑप्टिक कप के अंदर आ जाता है, और अब ये जो एजेस हैं इस ऑप्टिक कप की, ये जो एजेस हैं इस ऑप्टिक कप की, ये एजेस दे विल फॉर्म द फ्यूचर आयरिस. थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको लग रहा होगा कि कैसे हमारा आईबॉल डेवलप कर रहा है, क्योंकि लेंस के आगे जो एजेस होती हैं हमारा वो आयरिस होती है, और आयरिस का जो गैप होता है दैट इज़ द प्यूपिल. This gap, this is the pupil. Okay, so by the fifth week, the lens vesicle loses contact with the surface ectoderm. It lies within the mouth of the optic cup and the edges of the optic cup, it forms the future pupil. Now let's talk about the retina. Retina जो होता है वो completely develop होती है optic cup से. Okay, retina की अगर हम लोग डेवलपमेंटल लेयर्स की बात करें तो रेटिना हैज़ टू डेवलपमेंटल लेयर्स. ठीक है, कौन कौन सी होती है? द पिगमेंट लेयर, द आउटर पिगमेंट लेयर जिसे हम लोग RPE कहते हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम, और न्यूरल लेयर. अब हम बात करते हैं पिगमेंट लेयर की. पिगमेंट लेयर जो आउटर थिनर लेयर है ऑप्टिक कप का, अगर हम लोग ऑप्टिक कप के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑप्टिक कप कुछ ऐसा था. अभी ऑप्टिक कप बनता क्यों है? क्योंकि डिफरेंशियल ग्रोथ होती है इस आउटर और इनर लेयर की. तो ये जो आउटर लेयर होती है दिस इज थिन एंड इट फॉर्म्स द, ये क्या बनाती है? ये बनाती है द पिगमेंट लेयर. तो जो पिगमेंट लेयर होती है ये जो आउटर थिनर लेयर है ऑप्टिक कप की उससे बनती है. इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, कॉलमनर है उनका शेप, और ये बनाते हैं पिगमेंट ग्रेन्यूल्स मिलेनोसोम्स. मिलेनोसोम्स होता है विद इन देयर साइटोप्लाज्म, राइट. अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूरल लेयर की. हम बात करते हैं द सेकंड न्यूरल लेयर. न्यूरल लेयर हमारा इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप बनाती है, मतलब ये डेवलप होता है फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप. लेकिन द रीजन ऑफ द कप दैट ओवरलैप्स द लेंस, समझे बात को? जैसे कि हमारा ये जो लेंस था, ये हमारा लेंस है जो कि हमारे सरफेस एक्टोडर्म से डिटैच हो जाता है, और ये हमारा कप है जो कि एक तरीके से ओवरलैप कर रहा होता है उसको, हमारे लेंस के वेसाइकल को. तो पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कप विच ओवरलैप्स द लेंस वेसाइकल, जैसे जो ये पार्ट होता है
दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, मतलब दिस इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू न्यूरल टिश्यू. एंड वाई इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, बिकॉज इट इज़ फॉर्म, बिकॉज इट विल फॉर्म द आयरिस, एंड आयरिस इज़ नॉट अ न्यूरल टिश्यू, राइट. तो जो इंटीरियर, दो इंटीरियर 1/5 ऑफ द इनर लेयर, इट परसिस्ट एज अ लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स. तो ये जो इंटीरियर 1/5 होती है, बाकी तो वो पीछे वाला जो भी है वो न्यूरल लेयर में डिफ्रेंशिएट होने लगती है, लेकिन ये जो इंटीरियर 1/5 है विच इज़ ओवरलैपिंग द लेंस वेसाइकल, इट परसिस्ट एज कॉलमनर सेल्स विच टुगेदर विद द पिगमेंटेड एपिथीलियम ऑफ द आउटर लेयर, दे एक्सटेंड फॉरवर्ड ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिवेलपिंग सीलियरी बॉडी एंड द आयरस, राइट. तो क्या हुआ कि जो इंटीरियरली 1/5 होती है इनर लेयर की, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती है न्यूरल टिश्यू में, और ये साथ में द डिवेलपिंग आउटर लेयर ये परसिस्ट करती है एज द पिगमेंटेड एपिथीलियम, और फिर ये हमारी डिवेलपिंग सीलियरी बॉडी और आयरस का पोस्टीरियर सरफेस बनाती है, राइट. तो ये हमारा इनर लेयर हो गया ऑप्टिक कप का, ये हमारा आउटर लेयर हो गया ऑप्टिक कप का. आउटर लेयर ने तो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स बना दिए मिलेनोसोम्स, तो ये दोनों दे कंटिन्यू एज द कॉलमनर सेल्स एंड दे फॉर्म्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सीलियरी बॉडी एंड आयरिस, ठीक है. ये जो आगे के जो दो स्ट्रक्चर्स हैं आयरिस और उसको, तो ये उसका पोस्टीरियर सरफेस बना देते हैं. अब हम बात करते हैं कि जो बाकी जो पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द इनर लेयर जो होती है, इसमें होता है हमारा प्रोलीफरेशन, ठीक है. तो आउट जो इंटीरियर 1/5 थी वो तो कॉलमनर की तरह परसिस्ट करती है आउटर लेयर के पिगमेंट एपिथीलियम के साथ मिलकर सीलियरी बॉडी और आयरिस का पोस्टीरियर सरफेस बनाती है. अब हम बात करते हैं जो बची हुई पोस्टीरियर 4/5 है ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप, इसमें सेलुलर प्रोलीफरेशन होता है. सेलुलर प्रोलीफरेशन बना के ये बनाती है एक न्यूक्लियर जोन विच इज़ आउटर और मार्जिनल जोन विच इज़ इनर, ठीक है. अब जो मार्जिनल जोन होती है उसमें क्योंकि न्यूक्लियाई नहीं होता, न्यूक्लियाई नो, और न्यूक्लियर लेयर है उसका नाम ही ये है, तो उसमें तो न्यूक्लियट होगा, ठीक है. फिर उसके बाद जो सेल्स होते हैं ऑफ द न्यूक्लियर जोन, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियर जोन होती है, इसमें सेल्स में न्यूक्लियाई होते हैं, और ये हमारा मार्जिनल जोन है. तो होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं ऑफ द न्यूक्लियर जोन वो इन्वेड करने लगते हैं मार्जिनल जोन में, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं. तो जो न्यूरल पार्ट होता है रेटिना का, वो बना होता है इनर और आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर का, राइट. क्योंकि वो इन्वेड करने लगते हैं तो न्यूक्लियर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो हमारे पास एक इनर और एक आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ एन इनर एंड आउटर द न्यूरोब्लास्टिक लेयर. अब जो इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर होती है, इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर INBL, ये बनाते हैं हमारे गैंग्लियन सेल्स, द एमोक्राइन सेल्स एंड द बॉडीज ऑफ द सस्टेंटिकुलर फाइबर्स ऑफ मोलर, बॉडीज ऑफ सस्टेंटाकुलर फाइबर्स ऑफ मोलर. ठीक है, तो जो इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर है इसने क्या क्या बनाया, गैंग्लियन सेल्स बनाए, एमोक्राइन सेल्स बनाए एंड द बॉडीज ऑफ द सस्टेंटिकुलर फाइबर्स ऑफ मोलर, ये हमने हमारा बनाया इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर में. अब हम लोग बात अगर करेंगे हमारी आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर की, आउटर, तो इसने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल एंड रॉड एंड कोन बाइपोलर नर्व सेल्स, रॉड एंड कोन बाइपोलर नर्व सेल्स, हॉरिजॉन्टल रॉड एंड बाइपोलर नर्व सेल्स इन द रॉड एंड कोन सेल्स, ठीक है. और बाय द 8th मंथ ऑफ फीटल लाइफ ऑल द लेयर्स ऑफ द रेटिना कैन बी रिकॉग्नाइज, 8 महीने पर बच्चे में रेटिना की सारी लेयर्स हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जो रेटिनल फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं दे कंटिन्यू टू फॉर्म आफ्टर बर्थ. तो इस वजह से क्या होता है कि जो
रेटिना की जो एबिलिटी होती है फॉर इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी वो कंप्लीट डेवलपमेंट बर्थ के बाद होता है। ठीक है, एट लेयर्स 8वें महीने पर सारा जो लेयर्स होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, लेकिन जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो बर्थ के बाद भी बनते रहते हैं। तो जो इनर लेयर है ऑप्टिक कप की, इट मे बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल नॉन नर्वस पोर्शन नियर द एज ऑफ अ कप एंड अ लार्ज, ठीक है, स्मॉल नॉन नर्वस पोर्शन नियर द एज ऑफ द कप एंड अ लार्ज फोटो रिसेप्टिव पोर्शन, फोटो सेंसिटिव, लार्ज फोटो सेंसिटिव पोर्शन एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय अ, अगर हम लोग ये स्मॉल नॉन नर्वस पोर्शन एंड अ लार्ज फोटो रिसेप्टर पोर्शन एंड दिस इज सेपरेटेड बाय ओरा सिराटा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो कैविटी होती है जो ऑप्टिक वेसिकल की, इट इज़ कंटिन्यूस थ्रू द ऑप्टिक कैनाल विद द कैविटी ऑफ द डाइनकेफलॉन, दैट इज़ द पार्ट विच फॉर्म्स द थर्ड वेंट्रिकल। जो ऑप्टिक वेसिकल की जो कैविटी है, जैसे कि हम लोग बात करें कि ये है, ये ऐसे जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल और ऑप्टिक कप बनता है, इसकी जो कैविटी है एंड दिस इज़ कंटिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द डाइनकेफलॉन, क्योंकि यहीं से ही अराइज किया था। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल का पार्ट होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट में जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूक्लियर जोन हैविंग सीलिया विच आर कंटिन्यूस विद द सीलिएटेड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, तो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं ऑफ द न्यूक्लियर जोन में सीलिया होता है, सेल्स में ऐसे कुछ सीलिया होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल की सीलिएटेड एपिडर्मल सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर नाउ ड्यूरिंग द सेवेंथ वीक ऑफ डेवलपमेंट द सीलिया ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियर जोन दे डिसअपियर एंड आर बिलीव्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय द आउटर सेगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स ड्यूरिंग द फोर्थ मंथ। तो समझने वाली बात क्या है कि जो सेवेंथ वीक होता है उसमें जो न्यूक्लियर जोन के जो सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर जोन के सेल्स का जो सीलिया होता है, सीलिया इट डिसअपियर से गायब हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है बाय द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स ड्यूरिंग द फोर्थ मंथ, ये चौथे महीने पर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द मैकुलर एरिया एंड द फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, मैकुलर एरिया में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सुपर इम्पोज न्यूक्लियाई का इन द गैंग्लियन सेलिया। तो ये हमारा रेटिना है, ये हमारा सेंट्रल रेटिना है, यहाँ पर हमारा मैकुला होता है, बिल्कुल सेंटर में डिप्रेशन होता है विच इज़ द फोविया एंड देन वी हैव द पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, तो जो मैकुलर एरिया होता है तो उसमें इंक्रीज होता है ऑफ द सुपर इम्पोज न्यूक्लियाई। ठीक है, इस वाले एरिया में गैंग्लियन सेल लेयर में जो सुपर इम्पोज न्यूक्लियाई होती है वो इंक्रीज कर जाते हैं एंड दिस इज लेटरल टू द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क होती है, इसके अगर हम लोग लेटरली जाएँ तो एक मैकुला का एरिया होता है जहाँ पर गैंग्लियन सेल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। अब सेवेंथ मंथ में क्या होता है ना, देयर इज अ पेरीफेरल डिस्प्लेसमेंट। सेवेंथ मंथ में क्या होता है, देयर इज दिस पेरीफेरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, तो एक शेलो सेंट्रल डिप्रेशन होता है विच इज फोविया सेंट्रालिस। पहले तो बहुत सारे न्यूक्लियाई थे लेकिन अब ये न्यूक्लियाई अगर पेरीफेरली मूव कर जाएंगे तो सेंटर में एक डिप्रेशन बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, नाउ द इनर सेगमेंट्स ऑफ द फोवियल कॉन्स दे डिक्रीज इन विथ बट द आउटर सेगमेंट आर इलोंगेटेड। जो फोविया में जो कॉन्स होते हैं तो उनके जो इनर सेगमेंट होते हैं वो तो पतले पतले हो जाते हैं, दे डिक्रीज इन विथ, लेकिन जो आउटर सेगमेंट होता है वो लंबे हो जाते हैं। नाउ दिस परमिट्स एन इंक्रीज इन द फोवियल कोन डेंसिटी। अब क्योंकि विथ कम है तो अगर मान लो विथ इतनी होती तो सेल्स कम आते, लेकिन अगर विथ छोटी है तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। एट बर्थ द गैंग्लियन सेल्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ सिंगल लेयर इन द फोविया, एट द टाइम ऑफ द बर्थ डेंसिटी उनकी विथ इतनी कम हो जाती है
एट द फोवियल सेल्स दे आर रिड्यूस टू अ सिंगल लेयर एट द फोविया एंड बाय 4 months ऑफ एज द कोन न्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ द फोविया दे हैव नो गैंग्लियन सेल्स कवरिंग दम और बाय द 4th month ऑफ एज 4th month ऑफ पोस्ट जेस्टेशन मतलब आफ्टर बर्थ द कोन न्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ द फोविया फोविया के सेंटर में एक भी गैंग्लियन सेल्स नहीं है जो उनको कवर कर रहा होता है नाउ द रीज़न फॉर द न्यूबॉर्न इम्परफेक्ट सेंट्रल फिक्सेशन इज दैट द कोन्स डू नॉट फुली डेवलप अंटिल सेवरल मंथ्स आफ्टर बर्थ तो क्योंकि कोन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं तो इस वजह से बच्चे का फिक्सेशन नहीं आता है विद बाय द 4th month ऑफ एज व्हेन द कोन्स डेवलप फुली द चाइल्ड गेन्स फिक्सेशन ओके नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व द लेंस एंड द रेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर्स